अब आप सब तरह से योग्य हो गए दीक्षा लेने के लिए। सब मंत्रों की आहुति लग गई और बाकी आहुति अब लग जाएंगी। आप इस बीच में गुरु दीक्षा ले लीजिए जिससे उसके रोकर यज्ञ का पूरा एक एक बार इनको करा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। और नवक रहे देवता अनुकूल हो, सभी हमारे मन अभिषेक कार्य परिपूर्ण हो, इसके लिए हमारा कल्याण प्राप्ति के लिए हम गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, ये हमारा संकल्प है। तस्सी ब्रह्मा तन्मस्तु। आप सब नहीं लेते जाओ साथ साथ ये काम, ये तो आपको अलग से अगर लेते नहीं तो ये सब काम करने पड़ते। क्या करो क्या मनोजिया, अब तो खाली यही काम रहा नहीं तो ये सब करना पड़ता। नहीं, जो पति के साथ में गुरु होते वो गुरु है आपके, तो हाँ दोनों का एक ही होता है यहाँ पर। ओम हरि ओम नमः हरि। संकल्प कर लीजिए मन में, आप हाथ लगा लीजिए नीचे। ओम हरि ओम विष्णु 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 तस्मै भागवत महापुरुष विष्णु आज्ञा परमात्मने अज्ञ से ब्राह्मण के प्रारब्ध के संस्कृत आराधना करते हुए शुभ गुण करे अष्टाद सत्तरे करीबे चलम तत्व चरणी उद्यम दीपे भाग और से भटखंडे आरभते देशांत करते पुण्य पुरा। ओम कुमार का नाम क्षेत्रे ओम हरि ओम गंगा यमुना कृष्ण तटे नर्मदा उतरे तटे देव ब्राह्मण सन्निधो। ब्राह्मण देवताओं के और अग्नि के साथ सामने हम संकल्प करते हैं, ममा सपत्नी सेवान से सब सबके समक्ष और मन में अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए और अपने गुरु का उच्चारण कर लीजिए। सुबह सुख संबत 2080 साल के साल बारे गुरु 1943 पिंगल नाम संबत सरेना हा। और आज जो तिथि बार है ना समस्त तिथि बार नक्षत्र सहतम, आज की जो तिथि है इसका जो महीना है उनके सहतम और जो आज की तारीख में जो भी राशि जो भी ग्रह जिस राशि पर है वो सबके समक्ष हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा जो है गुरु दीक्षा लेने का संकल्प करते हैं, जिस संकल्प से और वो गुरु दीक्षा हमारे लिए सफल हो। और मम गृहे सुख शांति हिताय हरि हरि बेला हो जाए नारायण श्रीमद नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 उभय मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासु
वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो वासुदेवाया वासुदेवाय मेरो रामचंद्राया वासुदेवाय मेरो रामचंद्राया ओम नमो भगवते वासुदेवते वासुदेव भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते लगा दो शब्दा शब्दा लगा दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय पहले गोला करो को बीच में और फिर छोड़ो सर्वे पूर्ण स्वाहा जगदेव भगवान की जय। चेता के रखना जिससे गोला पक जाए। घी डालो इसमें, घी घी की धार बांध दो, घी की धार बांधो श्रद्धा के ऊपर हो। ओम वसो पवित्र मसी सहस्त्रधारम वसो पवित्र मसी सहस्त्रधारम महायज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा जगदेव भगवान की जय। व्रत व्रत पावान पवित्रम प्रवत स्वाहा चेताओ सो चेताओ कपूर से और आरती की देखो भोग लगेगा आरती की तैयारी। पांच पत्तल लेकर के आए उसमें जो कुछ भी आपने बनाया है ना भंडारे में पांच पत्तलों में लेके आए फिर आरती होगी। सभी भक्तजन जो कथा में नित्य आते थे वो यज्ञ दर्शन के लिए आरती में पधारिए। सभी ग्रामवासी भक्तजनों से निवेदन है यज्ञ की आरती होने के लिए जा रही है अधिक से अधिक संख्या में पधारिए। विजय अब वो नीचे रख दो आरती की तैयारी। पांच पत्तल लेकर के आए उसमें जो कुछ भी आपने बनाया है ना भंडारे में पांच पत्तलों में लेके आए लगा दो अब वो नीचे रख दो ये चार बार हरि गोविंद सहारा श्याम 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 राम
सभी परिवार वाले, यजमान के जो भी परिवार वाले हैं, वो शीघ्र यहाँ पांडाल में पधारिए और इस प्रसादी की व्यवस्था प्रारंभ होने वाली है थोड़ी देर में ही, इसलिए आप सभी भक्तजन पधार। जय श्री राधे। कम में तो देख ले एक जनी। देखिए जो माताएं बहने कलश लेकर के आई थी, उनको कलशों की व्यवस्था अभी प्रसादी प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद में अनाउंस करके उनको बुलाएंगे, अपने अपने कलशों को लेकर के जाएंगे घर। वो कब? जब भागवत जी यहाँ से विदा होगी वहां से, है ना? कब? अभी रुको, मैं तो यही बता परी है। है ना, जाओ परी के पास, उसको चुप कराओ। भगवान के नाम के लिया उसने और नाम लिया या ना लिया। देखो भगवान के नाम की बड़ी शक्ति है। राम उसके बड़ा नाम का नाम, राम से बड़ा नाम का नाम, जिस सागर को बिना सेत के कूद सके ना राम, जिस सागर को बिना सेत के कूद सके ना राम, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, दिखाएंगे पर ना प्रभु राम की। हम एक बार समुद्र पर शेर का मंत्र आया था, सभी बंदर भालू उसको पत्थर मार करके उसमें डाल रहे थे समुद्र में, राम नाम का लिख करके पत्थर पर डाल रहे हैं, वो पानी में पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन राम जी को कुल देखा, एक पत्थर लिया और अपने हाथों से समुद्र में डाला, वो पत्थर डूब गया। राम जी हंसने लगे और कहा हनुमान जी अरे देखो तो सही, ये लोग मेरा नाम अच्छा।